तो नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी में आज हम बनाएंगे साबुन दाना आलू की खिचड़ी जो बहुत ही टेस्टी बनती है इसे आप व्रत में खा सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने एक कटोरी साबुन दाना लिया है आप चाहे कप से या कटोरी से किसी भी कप या कटोरी से मेजरमेंट कर लीजिए तो यहाँ पर हमने एक कटोरी साबुन दाना लिया है तो इसे हम क्या किया था मैंने पहले हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि इसमें कोई भी डस्ट वगैरह ना रहे और फिर इसे आधा घंटा के लिए भुगो के रख देना है आधा घंटे बाद आधे घंटे बाद तो यहाँ पर देखिए अच्छे से फूल गया है तो ये आधे घंटे में अच्छे से फूल जाता है तो अब यहाँ पर हमने आलू कट कर लिया है आलू को हमने लगभग ढाई ग्राम लिया है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने हरा धनिया लिया है दो हरी मिर्च लिया है तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ तो गैस पे मैंने पैन रख दिया है इसमें हमने दो चम्मच घी डाल दिया है आप घी ऑयल जो भी खाना व्रत में खाते हो वो यहाँ पे डाल सकते हैं तो यहाँ पर हमने दो चम्मच घी लिया है अब यहाँ पे हम जीरा ऐड कर देते हैं जीरा ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो हरी मिर्च हमने कट कर करी थी वो भी डाल देना है अब यहाँ पर इसे थोड़ा क्रैकल होने देना है क्रैकल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आलू को ऐड कर देना है तो यहाँ पर देखिए हम आलू को ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से चलाना है तो यहाँ पर इसे अच्छे से मिला देना है और इसे हम दो तीन मिनट इसी तरीके से चलाते रहेंगे और इसे हम इस अच्छे से फ्राई कर लेते हैं यानी कि अच्छे से भून लेते हैं तो गैस को हम मीडियम लो रखा है तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर हमने थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाला है अब यहाँ पर हमने सेंधा नमक डाला है नमक स्वाद के अनुसार ही डालें और इसे अच्छे से मिला देना है तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिला देते हैं अब इसे हम दो मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो फिर से आपको यह चला देना है तो दोस्तों इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा बहुत ही टेस्टी बनती है आप इसे व्रत में खाइए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इन्हें यहाँ पर अच्छे से चला दिया है अब यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं साबुन दाना तो यहाँ पर हम साबुन दाना ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिला देना है दोस्तों इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ये आप व्रत में या भी किसी भी समय जब भी आपका मन करे तब इसे आप बना सकते हैं तो यहाँ पर आप हम एक मिनट के लिए ढक देते हैं और एक मिनट बाद फिर से इसे चलाएँगे तो अब यहाँ पर जो है अब पानी इसमें हम पानी ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमने दो कप पानी ऐड कर दिया है क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ी गीली खिचड़ी बना रही हूँ आपको यदि गीली नहीं पसंद है तो पानी स्किप कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिला देना है अब यहाँ पर इसे हम ढक देते हैं पकने देते हैं तो गैस को हम मीडियम लो रखा है और फिर से इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे इसे तब तक पकाना है तब तक ये इसका जो है ये गाढ़ी ना हो जाए तो यहाँ पर देखिए अब ढक देते हैं और यहाँ पर दोस्तों हमारी जो है खिचड़ी पक चुकी है तो यहाँ पर देखिए जो हमने पानी ऐड किया था बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और ये अच्छे से पक भी गई है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे गैस को बंद कर देते हैं तो यहाँ पर हमने गैस बंद कर दिया है आलू भी अच्छे से पक गई हैं और जो यहाँ पर हमारा साबुन दाना था वो भी अच्छे से इसमें मेल्ट हो गया है यानी कि पक गया है अब यहाँ पर हम हरा धनिया डाल देते हैं हरा धनिया डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं दोस्तों एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा बहुत ही टेस्टी बनता है इसे आप व्रत में बना कर खाइए जब भी आपका मीठा खाने से बोर हो गए तब यह आप इस तरीके से साबुन दाना की खिचड़ी बना सकते हैं ये देखिए दोस्तों हमारी जो है खिचड़ी बन रेडी हो चुकी है दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा और नए मेरे पे तो सब्सक्राइब पर ना भूलिएगा और दोस्तों इस तरीके से आप मेरे वीडियो देखते रहिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर